अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीर मुनीर ऑफिशियल। मैं मौजूद हूँ अपने फार्म चौधरी बशीरा नर्सरी फार्म। इस फार्म की एग्जैक्ट लोकेशन डीआरबी केनाल खैरेवाला पुल नज़द सादी रोड लाहौर। मेरे आगे आप पोर्ट देख रहे हैं, आप 10 इंच पोर्ट में हैं। जिस प्लांट को आज मैं रिव्यू करूँगा उसका नाम है रिबन प्लांट, इसको रिबन ग्रास प्लांट भी कहते हैं, क्रीड ग्रास प्लांट भी कहते हैं और इसको एयरप्लेन प्लांट भी कहते हैं और आम तौर पे इसको स्पाइडर प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो स्पाइडर प्लांट से मिलते जुलते हैं। तो अगर आपने वीडियो मेरे चैनल पे देखनी हो स्पाइडर प्लांट की तो मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप स्पाइडर प्लांट की भी वीडियो देख सकते हैं। और सेकेंडली बात यह है कि अगर आपने इन प्लांट्स का डिफरेंस देखना है कि एडस प्लांट का और स्पाइडर प्लांट्स का डिफरेंस क्या है, तो उसकी भी मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा ताकि आप इन दोनों का डिफरेंस भी देख सकें कि प्लांट की जो फैमिलीज हैं, नेचर हैं और इस प्लांट के जो बेबीज हैं वो कैसे जनरेट होते हैं और जो भी इनमें जो वैरायटीज हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा उस वीडियो में। तो बात करते हैं हम रिबन प्लांट की। इसमें जो काबले गौर होते हैं वो इसके पत्ते ही होते हैं जो रिबन ग्रास या रिबन ग्रास प्लांट की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसके पत्ते और फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका तना। पहले हम बात करते हैं जो इसकी फैमिली है वो ग्रासिस फैमिली से ये रिबन ग्रास ताल्लुक़ रखता है और जो इसका नेटिव है वो नॉर्थ अमेरिका एशिया। बात करेंगे हम इसके पत्तों की जो कि रिबन ग्रास की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। बात करें हम एरिस प्लांट के पत्तों की जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। देखिए माशाल्लाह से इसके पत्ते जो कि बहुत खूबसूरत फॉल करते हुए नीचे को, जो कि एरिस प्लांट की या एयरप्लेन प्लांट की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ये सबसे पहले टाइप दिखा रहा हूँ ग्रीन में। ये देखिए हम माशाल्लाह से इसके पत्ते, मैंने आपको पहले बताया ये स्पाइडर प्लांट की तरह प्लांट है, ये खड़ी बन प्लांट, इसको स्पाइडर प्लांट भी कहा जाता है इसके पत्तों की वजह से। देखिए माशाल्लाह से मैं आप दूसरी टाइप दिखाऊँ वेरीगेटेड, आप इसके कलर्स देखें जो कि बहुत खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत निखर के आ रहे हैं। आप ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत प्लांट। ये देखिए माशाल्लाह इसके भी पत्ते फॉल करते हुए नीचे को जो कि रिबन प्लांट्स की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। मैं आपको इसका तना दिखाऊं जो कि एक मजबूत तने है। ये देखिए माशाल्लाह से देखिए मिसाल वेरीगेटेड पोर का दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए आप इनके बेबीज की बात करें कि ये न्यू लीव्स कैसे जनरेट करता है तो मैं आपको दिखाता चलूं कि स्पाइडर प्लांट में तो पत्तों के ऊपर ही 7 बच्चे थे, ये जहाँ लीव्स एंड होते थे उसके साथ बेबी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल साथ साथ ये गफ्फी होना शुरू हो जाते हैं। आप देखें ये नए पत्ते निकल रहे हैं इसके, ये वेरीगेटेड के। अब मैं आपको ग्रीन दिखाता हूँ, ये देखें आप इसमें भी यही हिसाब है इसका, ये साथ साथ नीचे से ही स्टेम से बेबीज निकालता है और ये साथ साथ ही बच्चे निकाल के बहुत गफी हो जाता है जो कि बहुत खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके पत्ते, इसका तना और इसके जो न्यू लीव्स हैं वो खूबसूरती शो करता है इस प्लांट की। रिबन प्लांट की नेचर की बात करें तो ये 12 मंथ एवरग्रीन इंडोर और आउटडोर प्लांट है। लाइट की बात करें तो ये डायरेक्ट सनलाइट हो, इनडायरेक्ट सनलाइट हो, सेमी शेड हो, पार्शल लाइट हो, सभी कंडीशन से ये जो स्पाइडर प्लांट है या इसको हम रिबन ग्रास प्लांट है आराम से सर्वाइव करेगा और ऐसे ही हरे भरे पत्तों पे रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेरे अनसब्सक्राइबर्स व्यूअर्स की रेशियो है वो सब्सक्राइबर व्यूअर्स से ज़्यादा है, सो प्लीज़ जब आप वीडियो वॉच करें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम इंकरेज हो और ऐसे ही हर प्लांट की इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के दें ताकि आप कुछ सीख सकें। अब हम बात करते हैं रिबन ग्रास के वाटरिंग प्रोसीजर की, ये डैमेज क्यों होता है और हम इसकी प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं। बात करते हैं इसके वाटरिंग प्रोसीजर की, तो इन प्लांट्स को पानी इतना नहीं चाहिए, स्पाइडर प्लांट या रिबन प्लांट या एयरप्लेन प्लांट कह सकते हैं इसको, या क्रीड ग्रास भी कहा जाता है इसको, तो पानी का मतवाजन होना बहुत ज़रूरी है और वाटरिंग से ये प्लांट डैमेज करेगा। अगर आप एक दफ़ा इसको पानी दें तो सेकेंडली आप वेट करें कि ये जो इसकी सॉइल है ये ड्राई हो, अगर तो ये ड्राई है तब आप पानी दें, अगर ये ड्राई नहीं है पानी ऑलरेडी है तो पानी आप ज़्यादा ना दें। जितना ज़्यादा पानी होगा पानी पॉट के अंदर ठहरेगा तो ये ड्रेनेज नहीं होगा तो ये प्लांट डैमेज होना शुरू हो जाएगा और इसकी इसके पत्ते सड़ना शुरू हो जाएंगे ओवर वाटरिंग से, तो पानी हिसाब से दें इन प्लांट्स को। अब हम बात करते हैं इस प्लांट की केयर कैसे की जाए। अगर आपका प्लांट डैमेज हो गया है
तो आपने इसकी केयर करनी है। आप अगर तो पानी से बहुत ज़्यादा वाटरिंग से प्लांट डैमेज हुआ है तो पानी कम कर दें और इसको एक धूप धूप वाली एरिया में रख दें ताकि इसकी जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए, वेरीगेटेड हो या चाहे ग्रीन हो, दोनों ही कंडीशन में ये आपने रूल याद रखना है कि ओवर वाटरिंग से बचाना। इसकी न्यूट्रिशन पूरी करने के लिए ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें ताकि इस प्लांट की न्यूट्रिशन पूरी हो और ऐसे ही ये हरे भरे पत्तों पे रहे और एक खूबसूरत लुक प्रोवाइड करें। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ दोनों प्लांट्स का, वेरीगेटेड और ग्रीन का, जो कि बहुत खूबसूरत प्लांट्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रिबन ग्रास प्लांट है वेरीगेटेड, एक प्याला नुमा पॉट में है। मैंने आपको दिखाया कि ये बेबीज कैसे जनरेट करता है, तो आप ये देख सकते हैं प्लांट के गफ्फी होने की बात करें तो ये मेरे पास एक पॉट है प्याला नुमा, उसके अंदर ये वेरीगेटेड एडस प्लांट है या रिबन प्लांट, स्पाइडर प्लांट भी कहा जा सकता है इसको। देखिए माशाल्लाह कितनी थिक है और मेच्योर है पौधा, ये देखें आप सारा नए पत्तों से भरा पड़ा हुआ है ये प्लांट। आप इसके पत्तों की शाइन देखिए जो कि धूप में बड़ा एक बहुत खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है एडस प्लांट। देखिए माशाल्लाह मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाऊं एक प्लांट की। अब हम बात करते हैं इस प्लांट के यूजेस की कि रिबन ग्रास प्लांट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसका जो मेन जो पॉइंट है वो लैंडस्केप पर्पसेस में इस्तेमाल होता है, ग्राउंड कवर्स में, ताकि ये खूबसूरत लुक प्रोवाइड करे और ऐसे ही हरे भरे पत्तों पर रहे। अब मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ रिबन ग्रास का जो चौधरी बशीर नर्सरी फार्म पे अवेलेबल है। ये स्टॉक रिबन ग्रास प्लांट का ग्रीन और वेरीगेटेड प्लांट आप माशा से देख सकते हैं। देखिए इसके पत्ते जो कि बहुत खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 10 इंच साइज में स्टॉक अवेलेबल है। जिस किसी ने भी प्लांट बाय करने हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 0308-425-6655। ये थी आज की वीडियो रिबन ग्रास प्लांट के हवाले से। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल नसीर मुनीर ऑफिशियल उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।